माइनस लोअर लिमिट इंफिनिटी रखोगे चेंज इन इंफिनिटी जीरो, माइनस लोअर लिमिट इंफिनिटी फिर चेंज इन इंफिनिटी फंक्शन में इंफिनिटी का चेंज करते हो तो इनिशियल माइनस फाइनल इंफिनिटी होता है बट अपॉन जीरो, तो चेंज जो आएगा इंफिनिटी फंक्शन का वो जीरो आता है। ये समझे चेंज इन इंफिनिटी जीरो क्या होता है? इंफिनिटी मतलब होता है इंफिनिटी कोई फंक्शन क्या है, कोई वेरिएबल है नहीं, इंफिनिटी तो जो है वो जीरो के इनवर्स ही है एक तरीके का। अगर आप उसका चेंज निकालोगे, चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल में से इनिशियल माइनस करके अगर वो वहां पर इंफिनिटी पर फंक्शन है तो यहां पर भी इंफिनिटी पर कहीं होगा पीछे, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कितना आता है फंक्शन आपका जीरो, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है जीरो। इसको रखोगे कभी जीरो माइनस माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल्टा एक्स बराबर मैं दोनों को ही तो लेके चली थी तो बराबर में फिर कुछ कम आती हूँ पॉइंट ना वो वाली आती है, हाँ फिफ्टी प्रॉपर्टी आती है, स्केलिंग एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आती है, नाम वाली नहीं कर सकते हो, नाम दे दिया तो नाम वाली करती है और मुझे क्या आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करनी है
ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे पहले स्टार्टिंग में ही से आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट दिए थे रिलेटिविटी के, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे मैकेनिक्स में। कौन कौन से थे दो पोस्टुलेट? पहला क्या था? मैंने पढ़ाया है, सबसे बताऊँ कि ये मैंने पढ़ाया है। दो पोस्टुलेट दिए थे, क्या क्या दिए थे? नहीं, पहला पार्टिकल का तुम्हारे बारे में, तुम एक पार्टिकल हो किसी एक बच्चे के बारे में, इस क्लास में पूछे हैं, उसी की क्लास में जाकर पूछे हैं, किसी क्लास में जाकर पूछे, अपने कॉलेज में पूछे, कुछ भी पूछना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो पीएससी सेकंड ईयर में हो तो कहीं भी जाकर ले जाकर पूछो, हर कोई बोलेगा ये बच्चा पीएससी सेकंड ईयर में, उसकी किसी का क्वांटिटी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेम है, तो वो बस पोस्टुलेट है। किसी पार्टिकल की अगर फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पूछी जाएगी तो सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उसकी वो क्वांटिटी सेम रहती है। ये पहला पोस्टुलेट था, जैसे तुम्हारे बारे में कहीं भी पूरे कॉलेज में पूरे भारत में कहीं भी पूछो, तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी सेम है कि तुम पीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो सब जगह तुम बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के अलावा कभी फर्स्ट और थर्ड ईयर के नहीं बनोगे। तो ये तुम्हारा पहला पोस्टुलेट हो गया कि किसी भी पार्टिकल के बारे में आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जानकारी ले लीजिए, उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो सेम रहती है। पहला पोस्टुलेट ये था। और दूसरा पोस्टुलेट था जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी से सबसे ज्यादा होगी। ये तो लाइट है, तो बताइए आप 3×10⁻¹ मीटर पर सेकंड लाइट की वेलोसिटी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाल लीजिए, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये आइंस्टीन का सेकंड जो गैलीलियन थे, इससे पहले गैलीलियन आइंस्टीन बाद में आए थे, जिन्होंने लॉरेंस दिया। गैलीलियन ने लाइट के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन गैलीलियन थे उन्होंने तो केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, आप इसमें निकाल लो, इसमें निकाल लो, ऐसे कर सकते हो वैसे। लेकिन जो आइंस्टीन आए थे उन्होंने बोला था कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब बुक कराते हो उसकी खुद की एक पर्सनल वेलोसिटी होती है, लेकिन हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर लाइट की वेलोसिटी से बुक कराएंगे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज्यादा तेज चलेगा कंपैरिजन टू अपनी वेलोसिटी। तो अगर लाइट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों को साथ में बुक कराया जाए तो लाइट आगे निकल जाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पीछे रह जाता है। इसलिए आईएनसी बोलते हैं कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ठीक उसकी खुद की वेलोसिटी से बुक ना कराकर लाइट डालकर लाइट की वेलोसिटी चौथा
और भी यहाँ का चौथा कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टी लॉरेंट्ज़ है और गैलीलियो ने टी की बात नहीं करी थी। टी इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इन्होंने इन्होंने लाइट की नहीं बताई कि वेलोसिटी कितनी होती है, ज्यादा होती है कम रहती है। लॉरेंट्स जो उन्होंने डिस्कस किया था कि लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी आपकी तेज होती चली जाती है, इसलिए उन्होंने चौथा कोऑर्डिनेट टाइम को डिस्क्राइब करके लास्ट कोऑर्डिनेट डाला था उन्होंने टाइम। गैलीलियो भी कराए बस अपना एक चौथा कोऑर्डिनेट ऐड करके इनका जो स्थान प्राप्त हो रही थी वो ज्यादा अच्छी थी, इसलिए जो पास भी थी इनकी थ्योरी बात थी गैलीलियो की थ्योरी। ये लिया आगे समझ में देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट पहले पोस्टुलेट से जानते हैं टॉपिक भी यही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अंदर पहला फर्स्ट पोस्टुलेट डालिए और ये किसने दिए थे अकॉर्डिंग टू आईएनजी The physical quantity of a particle remains same in all frame of reference which are with constant velocity सारे जो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या तो सभी स्टेशनरी होनी चाहिए तभी फिजिकल क्वांटिटी होगी या सभी सेम वेलोसिटी से मूव करने चाहिए तभी फिजिकल क्वांटिटी होगी। सेकंड आर्गुमेंट सेकंड कॉस्ट In free space, the velocity of light remains constant for all observations. In free space, the velocity of light remains constant for all observations. It means for all observers. It means. It means the velocity of light is a universal constant. It does not depend on direction from a light source. And the motion of observer. And for all inertial frame of reference, the direction of light. The direction of light remains same. It is also known as theory of relativity or simultaneity. इसको एक नाम से और जानते हैं. It is also known as theory of relativity of simultaneity. SIMULTANEITY. और जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसको एक और नाम से जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। ऊपर लाइन मिली बिना एक लाइन ऊपर जो फर्स्ट पोस्टुलेट लिखा है ना मान लेते ना इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब बराबर रहना सभी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस।
अब डायरी लॉरेंट के सामने हमने प्रेम और प्रेम के बारे में बात किया है लेते हो इस पार्टी की पोजीशन ज्यादा करने के लिए तो इस पार्टी की पोजीशन कितने हम लॉरेंस ने बताया था कैरिनियन तीन कोऑर्डिनेट की बात की थी किसने चार अभी तो कुछ बताया नहीं, ये तो मतलब ये तो पढ़ा हुआ है। ये तो बाप की कंडीशन है, एक चीज बना दो इसमें कुछ नहीं करना। तो पहले का करना है आपको दो एक्स जेड सब में एक्स माइनस समय नहीं बढ़ता, जैसे ही समय बढ़ना चालू होता है आपने विद इन लाइट की बात करके टॉर्च लग गई, टॉर्च से लाइट देना चाहता था, जैसे लाइट देना चाहता था ना एक खुद आपने पता लग गया इसमें जैसे ही स्पेक्ट्रम पिक्चर निकलने लगती है वैसे ही जो दूसरा वाला फ्रेम है वो प्रूव करना चाहता है, ये स्पेक्ट्रम पिक्चर के आगे तो नहीं रह जाता और बड़ा छाता आगे निकल जाना है। ये लिखना आपका लाइन है, इसकी वजह से बीमारी बचना चालू होता है, इनिशियल ये बनाना और ये टी बनाना। याद है तो मतलब सारे का देखिए कैसे डायरेक्शन क्या था क्या किया था क्या बोलते हैं पहले तो कैरिनियन के थे एक्स डैश अल्फा एक्स माइनस लॉरेंस ने चेंज किया था तो हमने सेटिस्फाई करवा के देखा था, वो गलत क्यों बोला था? तो आपने दो सी के अंदर एक्स के अंदर गलत क्यों बोला था? एक्स का कितने डॉलर का होगा हमारे प्लेस किया था, बाकी फाइव और जेड डिस्टेंस वाली क्या है, इसकी आर है
Let us consider two inertial frame of reference S and S dash. Whose axis are overlapped to each other? X and X axis. Velocity in positive direction. Y and Z axis are parallel to each other. X time equal to 0. The observer O and O dash are coincide with each other. Which are placed in a space. The coordinate of this particle from X and S dash plane are X, Y, Z, and T, and X, Z, Y, Z, Z dash students. सबसे पहले हमें इस फ्रेम से पार्टिकल में पहुंचना है. तुम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में डिस्टेंस कवर करेंगे आर, यहाँ से यहाँ तक यहाँ डिस्टेंस कवर करेंगे आर. यहाँ से डिस्टेंस कम लगेगी और यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा लगेगी. अब मैं मुझे निकालना है टाइम कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लग रहा है. लिखिए द टाइम टेकन by the observer to reach at point B. कितना होगा? चलो टाइम निकाल दो. पहले इधर निकाल दो टाइम. कैसे निकाल सकते हैं टाइम? Distance upon speed equals to distance over time. Time equals to distance over speed. अब speed नहीं पता. Speed किसकी speed से चल रहा है? Time मतलब frequency. C. OP. OP तक की distance निकालनी है. P तो निकाल के P
तो ये बाद में आया है, जब ये भी निकल जाता है उसके बाद निकल गया ये चीज कब आती है? आती तो है ना वहां से चालू होगा भूल करके मम्मी के पास ही ऐसा टॉपिक है इसलिए पूछा था क्या सेकंड ईयर का पूछ जाएगा इसके अंदर लिख दिया है ठीक है सिमिलरली अब तो इस फ्रेम से निकालना टाइम निकालेंगे सारे देखिए सिमिलरली द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू डैश Time taken by the observer 4 days. Reach at point P. Reach at point P. Done. 3 days. 3 days. 4 days. 4 days. ये दोनों लीनियर इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक सॉरी लीनियर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों सेम टाइमिंग सेम मेरी यहां से आप पहुंचने का टाइम t है से और यहां से आप पहुंचने का टाइम t है अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मानूं ये मैं मिटाऊंगी मिटाएंगी इसमें कर अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वल रखती हूं तो गैलीलियन के जो वो थे कोऑर्डिनेट अब वो तो मैं याद रखना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में अब ये कोऑर्डिनेट अगर इसमें मैं करूं तो देखो चेंज क्या क्या आएगा चलो मैं करूंगी नहीं बता रही हूँ ये काम करना नहीं एक्स की जगह ये वाली वाई डैश तो वाई डेल्टा जेड ये
एक मिटा दिया मैंने। अगर मैं डेरिवेटिव की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सॉल्व करती हूं तो y y डैश के लिए क्या आ जाएगा y, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, z डैश के लिए डैश ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे, लेकिन ये सेम नहीं होगा। x डैश के लिए क्या रखना पड़ेगा, अल्फा x - dt और कितना आएगा पूरी टर्म एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो मतलब एक्स स्क्वायर तो मैच हो गया, लेकिन यहाँ पर ये वाली एक्स्ट्रा टर्म है, तो इन दोनों को कंपेयर करने पर नहीं मिल रही है, इससे और इसमें रखूंगी तो ये वाली टर्म ऐसी क्या होती है ना, तो इसमें कहीं नहीं होती है, इस जो एक्स्ट्रा टर्म है इससे हमें कोऑर्डिनेट कुछ आ रहे हैं टी और एक्स, तो मतलब गैलीलियन जो लॉरेंस थे उन्होंने कभी यहीं पर निकाली थी, जब उन्होंने गैलीलियन के इनमें रखवाए टाइम के अंदर, टाइम निकलवा के टाइम के अंदर जब ये कोऑर्डिनेट एडजस्ट करवाए तो ये टर्म एक्स्ट्रा बैठी, इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि गैलीलियन के गलत है कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव का जो लाइट की स्पीड होती है वो तो दोनों के लिए सेम होती है, तो पॉजिटिव वाला टाइम भी क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट सेम है, पॉजिटिव का टाइम भी सेम होना चाहिए, तो लेकिन हमें पता क्या था ना, ये अलग ये कोऑर्डिनेट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई करता तो दोनों बराबर आ जाते, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो मतलब इसमें कमी आ गई, अब कमी कौन कौन से कोऑर्डिनेट में थी, y में कोई कमी नहीं थी, y पर सेटिस्फाई हो जाता, z में कोई कमी थी, z में कमी थी, t भी हो गया, लेकिन इस टर्म से t में कमी आ गई क्योंकि t का कोऑर्डिनेट यहां भी है और यहां भी है, x के कोऑर्डिनेट से है मतलब दो में कमी आ निकाल ही उन्होंने x कोऑर्डिनेट में और एक t कोऑर्डिनेट में, फिर लॉरेंस ने जो दो में करेक्शन करा वो करा एक्स वाले में और वाई और टेन में कोई करेक्शन नहीं करा, इसके बाद यहाँ तक तो गैलीलियन ये चीज निकाली पर अपनी लॉरेंस ने निकाली, लॉरेंस ने कहा कि अगर मैं गैलीलियन के रखूं इसके अंदर तो ये सेटिस्फेक्शन हो जानी चाहिए, दोनों इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करती तो गलत होंगे, जो जो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है वो तो सही कर दिया उसने, जो जो गलत वो गलत कह दिया, जो गलत निकलने वाली है तो इन्होंने करेक्शन कर दिया दोनों में, लिखना पड़ेगा The coordinates of Galilean transformation does not satisfy the x and z coordinates of coordinates of Galilean transformation does not satisfy the x and t therefore Lorentz change the coordinate x and t. चलो क्या करना है ये पहला
और इक्वेशन कैसे है जो पहले से बनाई थी जैसा इनका नेचर है वैसे ही नेचर रहना चाहिए, कोई नेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज करना है। अभी ये लीनियर है तो मतलब उन्होंने भी कैसे लिखे लीनियर चेंज कर दिया ये क्या लिखी लास्ट लाइन अब आपको करना क्या है लॉरेंट के चार इसमें कोएफिशिएंट माने कौन कौन सा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब आपको क्या करना है इन चार कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल के इनमें पुट करनी है और बनानी है लॉरेंट की आंसर जो निकल के आएंगे वो चार पहले पुट करने के बाद वो लॉरेंट की आंसर देखो क्या करेंगे हम लॉरेंट ने मान लिया चार। अब इसके अंदर मैंने देखा है चार ऑप्शन है जिनकी वैल्यू नहीं पता बस ये बीटा की गामा और डेल्टा। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगा के सेटिस्फाई करते जाएंगे चार वैल्यू निकालेंगे ये जस्टिफाई कर लेंगे और ये बन जाएंगे आपके लॉरेंट की ट्रांसफॉर्मेशन। देख लीजिए वेयर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर कॉन्स्टेंट Here alpha, beta, gamma, and delta are constant. To find these values, we use boundary conditions. We know that observer O dash move in plus x direction. Move in plus x direction with velocity v. With velocity v, full stop. Hello, Adam. सबसे पहले दोनों किस पर सिचुएटेड थे जीरो पर दोनों तो एकदम वही थे ना ओवरलैप जब टी बराबर जीरो था मतलब टी बराबर जीरो पर एक्स डैश भी क्या था जीरो और एक्स भी क्या था जीरो जैसे और लेकिन जैसे लाइट डैश के पर सब्सटीट्यूट करने लगे वी वैल्यू फिर मैं एक्स डैश बराबर जीरो रखने पर वैल्यू निकाल पहले आपने सभी एक्स डैश बराबर क्या था अल्फा एक्स प्लस
ठीक है रेस्पेक्ट में भी कोई चीज करते हैं आप करेंगे तो कितना करेंगे अल्फा बी प्लस बीटा ठीक है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा की वैल्यू नोट करना है और एस फ्रेम को बुक कर दिया बस इसका अगर हम करेंगे अब एक्स को जीरो कर दी तो डी एन डैश ऊपर डी डैश क्या हो जाएगा बी अब दूसरे को आप स्टेशनरी करोगे और पहले वाले को मूव कराओगे इसमें क्या करा है एक्सेस जीरो एक्सेस मतलब एक्सेस पेन को तो आपने स्टेशनरी रखा है और एक्सेस को भी वेलोसिटी से मूव कराया अब दूसरा क्योंकि एक स्टेशनरी जाएगा एक को पकड़ोगे तो दूसरा जाएगा दूसरे को पकड़ोगे तो पहला चला जाएगा अब अगर ये भी वेलोसिटी से आगे जा रहा है अब वो पीछे जाएगा समझ गए एक अगर आगे जाएगा तो दूसरे का पीछे आप निकालिए हम मान लो कि मिल गई अल्फा एक्स प्लस बीटा डी को साथ में रखो और ये पीछे और गामा जी प्लस डेल्टा एक्स बराबर जीरो लग रही थी एक्स एक्स बराबर बीटा डी और बीटा एक्स बराबर बीटा डी अब देखो जरा अगर मैं सेकंड और थर्ड का कंपेयर करूं तो गामा और अल्फा बराबर आ रहा है अगर मैं सेकंड और थर्ड का कंपेयर करूं तो अल्फा और गामा क्या है तो इसका मतलब ये हुआ अच्छा अल्फा और गामा की वैल्यू निकालो कि जो चला चार इक्वेशन ये उसको अल्फा और गामा कौन से थे इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी शो कर वाले थे
From equation second and third. Me comparing equation second and third. Comparing equation second and third. We get alpha equals to gamma. We get alpha equals to gamma. Ab. Lorentz का तो बीटा की जगह माइनस गामा की रख सकती हूँ, रखती हूँ अल्फा की जगह गामा रखूँ, बीटा की जगह माइनस गामा कॉमा एक्स माइनस क्या क्या है ठीक है इसको चार चार क्वेश्चन ऐसे और पहले कौन सा नंबर था पहले चार कॉलेज के लिए फाइव वो फर्स्ट टाइम फोटो डालो इसमें लिख देना ऑन यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ऑन यूजिंग इक्वेशन नहीं सेकंड थर्ड लॉरेंस की चार इक्वेशन को पता लो उसे सेकंड डालो उसे थर्ड डालो और अभी गामा बराबर अल्फा आया है उसे फोर्थ डालो फिर लिखो ऑन यूजिंग सेकंड एंड फोर्थ तुमको तो तभी लिखोगे ना जब तुमको लिखा रही हो इनको लिखो लिख पहले ऑन यूजिंग सेकंड एंड फोर्थ अब ये चालू है अभी आगे का कदम लिखो कल आके तुम्हारा क्या मतलब स्टार्ट करो